हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के बारे में। अगर आप लोग उत्तराखंड जाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो एक बार ज़रूर देखिए। अगर उत्तराखंड जाना है तो वहाँ के धारी देवी मंदिर जाना ना भूलिए। माता धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है। इसे उत्तराखंड की संरक्षक एवं पालकी देवी के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ सिर स्थित है एवं निचला भाग कालीमण में स्थित है। यह मंदिर डैम के बीच में स्थित है और चारों ओर से पर्वत घाटियों से घिरा एक खूबसूरत स्थान है। माँ धारी देवी की एक कहानी के मुताबिक कहा जाता है कि माँ धारी देवी अपने मंदिर में एक दिन में अपने तीन रूप बदलती हैं। प्रातःकाल छोटी बच्ची, दोपहर में युवती और शाम के समय व्रत का रूप माँ धारी देवी लेती हैं। धारी देवी मंदिर में नवरात्रों में विशेष पूजा आयोजित की जाती है। मंदिर में हर साल चैत्र और शारदीय नवरात्रि में हजारों श्रद्धालु अपनी प्रार्थनाओं को पूरी करने के लिए मंदिर में दूर दूर से पहुँचते हैं। धारी देवी मंदिर में ज़्यादातर नवविवाहित जोड़े अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु माँ के मंदिर जाते हैं। माँ धारी देवी उत्तराखंड की रक्षक के रूप में जानी जाती हैं। माँ धारी देवी को माँ शक्ति के रूप, महाकाली के रूप में पूजा जाता है। धारी देवी मंदिर में काली स्वरूप माँ की पूजा अर्चना धारी गाप के ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। नवरात्रों में यह मंदिर विशेष रूप से फूलों और लाइटों से सजाया जाता है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ माँ धारी देवी की कहानी कि यह मंदिर यहाँ कैसे स्थापित हुआ। माता धारी देवी सात भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने भाइयों से बहुत प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए अपने हाथों से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाती थी और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी, परंतु जब उनके भाइयों को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे थे। वैसे तो माता धारी देवी के सातों भाई माँ धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। परंतु माता धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थीं, क्योंकि इनके माता पिता के गुजर जाने के कारण धारी देवी का पालन पोषण इनके भाइयों के द्वारा ही हुआ था और उनके लिए अपने भाई ही सब कुछ थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और माता के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ती गई। परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे थे। और इन 2 भाइयों की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन 2 भाइयों को ऐसा लगने लगा कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत हमारी इकलौती बहन के हमारे प्रति खराब ग्रहों के कारण तो नहीं हुई, क्योंकि उन्हें बचपन से यही पता चला था कि हमारी बहन के ग्रह हमारे लिए ख़राब हैं। तो उन 2 भाइयों ने अपनी नफरत के चलते, जब माँ धारी देवी केवल 13 साल की थी, तब उनके दोनों भाइयों ने उनका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के जल में प्रवाहित कर दिया और माता का सिर वहाँ से बहते बहते धारी नामक गांव तक आ पहुँचा। जब सुबह सुबह का वक्त था तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी तट के किनारे पर कपड़े धुल रहा था तो उसने माता के सिर को देखा और सोचा कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उसने यह सोचकर कि मैं वहाँ जाऊँ तो जाऊँ कैसे, क्योंकि नदी में बहुत ही ज़्यादा पानी था और वह इस डर से घबरा गए कि मैं कहीं स्वयं ही ना बह जाऊँ, और उसका धैर्य टूट गया और उसने सोच लिया कि मैं अब उस कन्या को नहीं बचा पाऊँगा। परंतु अचानक एक आवाज़ नदी से उस कटे हुए सिर से आई जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज़ थी कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा और मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ वहाँ पे तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई देती थीं। लोगों का कहना है कि जब वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने पैर रखे वहाँ वहाँ पर सीढ़ियाँ बनती गईं। जब वह व्यक्ति नदी में गया तो उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को जब कन्या समझकर उठाया तो वह व्यक्ति अचानक से घबरा गया कि जिसे वह एक कन्या समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सिर निकला।
फिर उस कटे हुए सिर से आवाज आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सिर ने उसे करने को कहा, क्योंकि यह सब उस व्यक्ति के लिए भी किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सिर आवाज़ दे रहा है। यह सब देखकर उस व्यक्ति को भी विश्वास हो गया कि यह एक देवी ही हैं। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया तो उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। मैं एक कन्या थी जो कि सात भाइयों की इकलौती बहन थी और मुझे मेरे दो भाइयों के द्वारा दिया गया। और यह सब कुछ बताकर उस कटे हुए सिर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से वहाँ उस पत्थर की पूजा अर्चना होने लगी और वहाँ पर एक सुंदरधारी देवी मंदिर बना दिया गया। मान्यता है कि चार धाम की यात्रा का फल तब तक नहीं मिलता जब तक कि आपने माँ धारी के दर्शन नहीं किए, क्योंकि माता धारी देवी को चारों धामों की रक्षक देवी भी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार धारी देवी के इस मंदिर का इतिहास 300,000 वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि माँ धारी देवी का मंदिर धारी देवी गांव में द्वापर युग से है। कहा जाता है कि माँ धारी के मंदिर को साल 2013 में तोड़ दिया गया था और उनकी मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा दिया गया था। इस वजह से उस साल उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। माना जाता है कि धारी देवी की प्रतिमा को 16 जून 2013 की शाम को हटाया गया था और उसके कुछ ही घंटों बाद राज्य में आपदा आई थी। इसके बाद उसी जगह पर फिर से मंदिर का निर्माण कराया गया था। एक कथा और प्रचलित है इस मंदिर के बारे में। कहा जाता है कि एक बार भीषण बाढ़ से मंदिर बह गया था, साथ ही साथ उसमें मौजूद माता की मूर्ति भी बह गई थी और वहां धारो गांव के पास एक चट्टान से टकराकर रुक गई। कहते हैं कि उस मूर्ति से एक ईश्वरीय आवाज निकली जिसने गांव वालों को उस जगह पर मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर वहां माता का मंदिर बना दिया। पुजारियों की माने तो मंदिर में माँ धारी की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। अगर आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, और आगे के वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।